और दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे ये इतिहास से कि महारानी विक्टोरिया के उद्घोषणा 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा अधिनियम है, इसमें दो तथ्य दिए हैं। इसने भारत में ब्रिटिश क्षेत्रीय संपत्ति के विस्तार के खिलाफ घोषणा की, इसने सिविल सेवा में भारतीयों को प्रवेश की व्यवस्था की। ये दोनों सही है। 1857 के विद्रोह के पहले आपने देखा होगा कि अंग्रेज लगातार भारत में अपना क्षेत्रीय विस्तार कर रहे थे, लेकिन 1857 के घटना के बाद जो 1858 में महारानी का उद्घोषणा आया, उस उद्घोषणा में उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं भारत में अब कोई विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका शासन भारत में था उसका शासन समाप्त हुआ और भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हुआ, इसलिए हम भारतीयों को भी सिविल सेवा में बैठने की अनुमति दी गई। इसलिए पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, उत्तर सी नंबर है। अब तीसरा प्रश्न आप लोग देखोगे और वो है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़े हैं। आप सब लोग लाला लाजपत राय जी से परिचित होंगे। लाला लाजपत राय जी साइमन कमीशन के खिलाफ आंदोलन में प्रदर्शन करते हुए लाठी खाए थे, इसलिए उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो पहला नंबर सही है, संबंधित थे, लोक समाज के सेवक थे, सही बात है। उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया। आप देख रहे हो कि आप एक बैंक का नाम सुनते होंगे, पंजाब नेशनल बैंक, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, उसके फाउंडर अध्यक्ष हैं लाला साहब। आर्य समाज, लाला लाजपत राय साहब आर्य समाज के ही नेता थे, उनके ऊपर आर्य समाज का व्यापक प्रभाव था, इसलिए उनके राजनीति में उग्रता भी आई थी, इसलिए वो उग्रवादी भी कहलाते थे। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा दोनों सही है, इसलिए आंसर डी नंबर होगा। अब चौथे नंबर क्वेश्चन को देखिए, 1931 का गांधी इरविन समझौता में क्या शर्तें थी, क्या हिस्सा था। बड़ी महत्वपूर्ण समझौता है और इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं कि सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा ना करना जो हिंसा के लिए दोषी है। बिल्कुल सही है, गांधी इरविन समझौता में ये था कि उन राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाए जिनके ऊपर हिंसा का कोई भी आरोप नहीं है, पुलिस की ज्यादतियों की सार्वजनिक जांच हो, ये उसमें डिमांड में नहीं था, ठीक है। और तीसरा कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का निलंबन, बंद नहीं किया था, सस्पेंशन था। तो इसका उत्तर पहला और तीसरा होगा,
इसका मतलब है कि सी नंबर होगा। अब पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह पर क्वेश्चन है। पहला है कि इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सत्याग्रह की नीति बनाई थी? नहीं, नीति पहले बन चुकी थी, इम्प्लीमेंटेशन पहले थे, ध्यान देना। यदि ये कहा जाए कि गांधी जी ने सत्याग्रह का क्रियान्वयन यहाँ किया था सबसे पहले, तो ये आंसर होगा, लेकिन अभी नहीं होगा। चंपारण में खेती करने वाले को तिनकटिया, बिल्कुल सही, आप लोग पढ़ रहे होंगे। नियम ही था एक बीघे के 3 कट्ठे जमीन पर आपको अनिवार्य रूप से नील की खेती करना होगा। 2 नंबर सही है। राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी इस सत्याग्रह में भाग, बिल्कुल यहीं से राजेंद्र बाबू, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजकिशोर प्रसाद, ये सब गांधी जी के साथ जुड़े थे। तो 2 और 3, इसका मतलब है सी नंबर आंसर होगा पांचवें का। अब 5 नंबर के बाद सीधा आप 51 पे आएंगे, अपना पेज पलटेंगे। पेज पलट लिए होंगे। अब देखो 51 को नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की विशेषता निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं थी? ठीक है, आप अपने क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में समानांतर सरकार का उदय हुआ था, देखा गया, सही है। बलिया में चीतू पांडे, सतारा में नाना पाटिल, तामलुक में जातीय सरकार का गठन हुआ था। इसने राष्ट्रीय आंदोलन में लोकप्रिय भागीदारी के संदर्भ में एक नया मुकाम हासिल किया, बिल्कुल सही किया। ब्रिटिश सरकार ने गंभीर दमन के साथ आंदोलन पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, बिल्कुल सही है। और यह पूरे देश में अहिंसक था, तो डी नंबर गलत होगा। किसके द्वारा नहीं थी, देख रहे हो, नहीं शब्द को नहीं वाले पर अंडरलाइन कर लो। ए बी सी सही है और डी नंबर गलत है, क्योंकि यह आंदोलन कुछ हिस्सों में हिंसक भी थी। चीतू पांडे, नाना पाटिल, इनने वहां के स्थानीय अधिकारियों का गर्दन काटा और सरकार बनाई थी। तो इसलिए 51 नंबर में आंसर क्या होगा? डी नंबर हो। अब चलोगे 58 नंबर, हिस्ट्री से है, आप लोग पेज पलटाएंगे, टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड का। पेज पलट लिए होगे। देखो क्या है, त्रिकुट भारतीय परंपरा और संस्कृति में उल्लेख है। देखो ये बिल्कुल फैक्चुअल है, यदि आपको पता है तो बनेगा, नहीं तो जैसे। वास्तव में ये तमिलनाडु की एक प्रसिद्ध कठपुतली नाच है। तो ए नंबर आंसर होगा। अब 59 पे आएंगे। बलबन के संबंध में कौन सा कथन सही है? जानते ही होंगे बलबन को, संतनत काल का गुलाम वंश का प्रसिद्ध शासक है। उन्होंने भारतीय मुसलमानों को तुर्की के बरप्पन के बजाय सत्ता और अधिकार के शीर्ष पदों में शामिल करना शुरू कर दिया, बिल्कुल गलत है। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि बलबन
ने अपने अधिकारियों का वंशावली बनवाया था और उस वंशावली के आधार पर वो बड़े तुर्क अमीरों को अपने ब्यूरोक्रेसी में रखता था। अब उन्होंने यह दिखाने के लिए सीधा और पैबोस का परिचय दिया कि रईस उनके बराबर नहीं है, बी नंबर आंसर होगा, दूसरा नंबर सही है, ये सिजदा और पैबोस गैर इस्लामिक प्रक्रिया है। आप सब लोग जानते होंगे इस्लाम में सिजदा के योग्य सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हैं, अल्लाह के अतिरिक्त किसी की सिजदा संभव नहीं है। बलबन ने ये ईरान से प्रथा लाया था, ईरान में ये प्रथा लागू थी। सिजदा का मतलब है झुककर सुल्तान का दुआ सलाम करना, पैबोस उनके हाथ पैरों को चूमना। इससे ये बलबन के राजत्व के सिद्धांत का मूल हिस्सा था। ये मूल हिस्सा इसलिए था ताकि बलबन ने अपने राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट कहा था कि सुल्तान बनना सबके भाग्य में नहीं लिखा है, ये ईश्वर की असीम अनुकंपा है और सुल्तान जिल्ले इलाही नियामते ये खुदाई है। मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि और खुदा का नूर है। इसलिए बलबन अपने ब्यूरोक्रेट्स को ये मैसेज देना चाहता था कि हमारे साथ किसी प्रकार का विद्रोह मत करो, क्योंकि ये सबके भाग्य में लिखा हुआ नहीं है। जिसको ईश्वर चाहता है उसी को ये प्राप्त होता है। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम में राजत्व में देवत्व का सिद्धांत है। अब 60 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ताजी रखी चूने के प्लास्टर पर निष्पादित भित्ति चित्रकला की तकनीक फ्रेस्को के नाम से जाना जाता है। फ्रेस्को, ठीक है, ए नंबर आंसर है, ये सब बिल्कुल फैक्चुअल है। अब 71 नंबर क्वेश्चन पलटाएंगे, मैं आपको समय दे रहा हूं 30 मिनट का। फिर एक गंभीर फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको गंभीर लग रहा होगा, क्योंकि साउथ इंडियन वर्ड है इसलिए गंभीर लग रहा है, कि प्राचीन भारतीय संदर्भ में तमी झकम का उल्लेख है। तो भाई इसका उत्तर डी नंबर है, कि उत्तर और दक्षिण के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क ऐसे लोगों के बीच व्यापार के परिणाम स्वरूप जो ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से महत्वपूर्ण हो गए थे, उसी को तमिझकम कहा गया है। तो ये डी नंबर आंसर है। तो ये सब रटा रहेगा तभी आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखोगे, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यह ग्रीक रोमन परंपरा से प्रभावित था। बिल्कुल सही है। और आप यों भी एक चीज याद रखिए, यह भारत की पहली मूर्ति कला है,
ठीक है, और इस मूर्तिकला के ऊपर ग्रीक रोमन प्रभाव है, अर्थात हमने मूर्तिकला यूनानियों से सीखा है। इसे सातवाहन शासकों ने संरक्षण दिया, बिल्कुल गलत, क्योंकि रोमन ग्रीक जो या गंधार स्कूल जो है, नाम से ही समझ सकते हैं, ये गंधार प्रांत में क्या हुआ था, विकसित हुआ था, जो अब पाकिस्तान के हिस्से, अर्थात भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में, गंधार, जलालाबाद, बामियान, हड्डा, स्वात की घाटी, ये अब ये सब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्से है, तो वहीं पर ये कला विकसित हुई थी। जबकि सातवाहन दक्षिण के थे, तो बिल्कुल दूसरा नंबर गलत हुआ। तीसरा, बुद्ध की योगी मुद्रा विद्यालय की एक प्रमुख मूर्ति है, वास्तव में गंधार शैली में सिर्फ और सिर्फ भगवान बुद्ध की ही प्रतिमा बनी है, तो स्वाभाविक है कि इसमें भगवान बुद्ध का ही प्रतिमा बना है। तो पहला और तीसरा, इसका मतलब है सी नंबर उत्तर है। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 73, कि भाई हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। शहर नियोजन, जानते ही हो कि हड़प्पा शहर जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीकृत है, तो पहला सही है। मानक वजन और उपायों का उपयोग, ठीक है, आप सब बेहतर ढंग से जानते हो कि सिंधु सभ्यता में स्टैंडर्ड वेट था, जो हड़प्पा में था वही लोथल में था, जो लोथल में था वही मोहनजोदड़ो में था। मुहरों पर सिंधु लिपि, बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर भी सही है, जितनी भी वहाँ पर हमें मुहर मिली है उस पर लिपि है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ने में सक्षम नहीं हैं। मृतकों को दफनाने की प्रथा, ये भी इस सभ्यता में मिली है, हड़प्पा से भी मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, लोथल से भी मिली है, तो इसलिए इसमें चारों सही है, तो डी नंबर उत्तर होगा। 1, 2, 3, 4, चारों सही है। अब 74 आइए भाई, निम्नलिखित पर विचार करो। फ्रेंच चंदनगोर या चंदननगर, बिल्कुल सही है। पुर्तगाली गोवा सही है, और डेनिश पुलिकट, ये गलत है। 1 और 2 सही है, ए नंबर आंसर होगा। और 75, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दोहरी सरकार के तहत बंगाल पर कब्जा करने के दौरान निवेश शब्द को संदर्भित करता है। देखो, बंगाल विजय के उपरांत वहाँ पर जब द्वैध शासन लगाया गया, इसलिए लगाया गया ताकि वहाँ से क्या किया जाए, भू राजस्व की वसूली की जाए। वही भू राजस्व उसका निवेश कहलाता था, क्योंकि ब्रिटेन की सरकार उसे क्या करती थी, भारत में व्यापार करने के लिए बुलियन देने से मना कर दी थी। इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के भू राजस्व को निवेश माना, और उस राजस्व से उसने भारतीय माल को खरीदा और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा,
और इंग्लैंड में वो संपत्ति पहुंची। एक ए नंबर सही है, ठीक है। तो इस प्रकार आपके हिस्ट्री के जितने प्रश्न थे वो मैंने क्या किए, पूरे कर दिए। अब आपका पॉलिटी का क्लास होगा, जो पॉलिटी वाले सर हैं वो इस क्लास को अब आगे बढ़ाएंगे।